जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत से इंस्टॉलमेंट पाने के लिए यानी सालाना 6,000 रुपया का लाभ उठाने के लिए आप लोग आधार कार्ड से कैसे आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है यानी कि जमीन का थोड़ा कुछ रिकॉर्ड है तो दोस्तों आप घर बैठे इसका आवेदन भी कर सकते हैं। और दोस्तों आवेदन करके आपके जो स्टेटस है या वेरीफाई हुआ यानी कि पेंडिंग है या अप्रूवल हुआ सारी जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे को पास एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को अलाउ कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले क्या करना होगा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है या ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यह फार्मर कॉर्नर पर जाना होगा। लेकिन उससे पहले सभी किसान भाई को यह कहना है कि अगर आपने अभी अभी आवेदन किया तो दोस्तों आपको क्या होगा, नया इंस्टॉलमेंट मिलना शुरू होगा। जैसे कि किसान सम्मान निधि योजना का जो स्कीम है 2019 फरवरी में जारी हुआ था यानी कि लॉन्च हुआ था। यह जो इंस्टॉलमेंट है 2019 फरवरी में जिन जिन किसान भाई ने आवेदन किया है उन सारे किसान भाई को अब तक 14 इंस्टॉलमेंट मिल चुका है यानी कि 28,000 मिल चुका है। अगर आपने अभी आवेदन किया इसका मतलब आपको जो 14 इंस्टॉलमेंट यानी कि 14 इंस्टॉलमेंट दे दिया है यह इंस्टॉलमेंट आपको नहीं मिलेगा। आज से लेके जो भी इंस्टॉलमेंट जारी होगा वही इंस्टॉलमेंट आपको खाता पर आने वाला है। जो भी आएगा आपको आधार बेस्ड आएगा, पेमेंट मोड आधार के थ्रू आएगा, आधार नंबर में पैसा आएगा, आधार कार्ड से आप पैसा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों बड़ी सुविधाएं निकाल के आ चुका है किसान भाई के लिए। दोस्तों ये वीडियो जरूर देखिएगा, कंप्लीट प्रोसेस आप सभी को मैंने बताने वाला हूं। सबसे पहले सभी किसान भाई को क्या करना होगा, फार्मर कॉर्नर पर आके ये जो आपको लिखा रहे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने और एक इंटरफेस ओपन होगा। और एक बात है दोस्तों, ये जो किसान सम्मान निधि योजना का स्कीम है शहरी और जो गांव एरिया है, शहरी और ग्रामीण दोनों एरिया का लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोनों सेम प्रोसेस है, सिर्फ आप सभी को एक ही प्रोसेस को फॉलो करने से आपको दोनों प्रोसेस पता हो जाएगा। तो दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद सभी को क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें आपको आधार नंबर डालना होगा, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी मोबाइल नंबर आपने मोबाइल में दिया हुआ है वही मोबाइल नंबर इसमें डालिएगा कि मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। तो दोस्तों मोबाइल नंबर और आधार नंबर डालने के बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा, आपका जो भी राज्य है राज्य को आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें जो भी कैप्सा दिख रहा है सेम कैप्सा को डाल के गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी मोबाइल नंबर अभी डाला है उसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी मिलेगा 4 अंकों का, ये ओटीपी आपको इसमें डालना होगा। ओटीपी डालने के बाद ये जो कैप्सा दिख रहा है फिर से कैप्सा आपको इसमें डाल के सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी आधार नंबर दिया है वही आधार नंबर पर एक ओटीपी मिलेगा। दोस्तों जो भी ओटीपी है अपने आधार के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी मोबाइल नंबर पर मिलेगा। तो दोस्तों ओटीपी को डायरेक्ट आपको ये ओटीपी की जगह डालना होगा। ओटीपी डालने के बाद दोबारा से आपको क्या करना होगा, ये जो आपको कैप्सा दिख रहा है ये कैप्सा आपको ये पहली कैप्सा को हटाना होगा, उसके बाद फिर से ये कैप्सा डाल के वेरीफाई आधार पर क्लिक करना होगा। देखिए दोस्तों मैंने पहले जो कैप्सा डाला था इसको हटा दिया है, अभी जो नया कैप्सा इसमें शो हो रहा है ये कैप्सा डाल के मैंने ओटीपी भी डाल दिया है, उसके बाद वेरीफाई आधार पर आप सभी को क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा जिस पेज में आपको नया फार्मर रजिस्ट्रेशन करने का जो फॉर्म है ये फॉर्म खुल जाएगा। तो दोस्तों ये फॉर्म पर आने के बाद सबसे पहले इसमें आपको क्या करना होगा, आपका जो स्टेट है ये पहले आपने सेलेक्ट करके रखा है, उसके बाद आपको इसमें डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों मैंने आपको ए टू जेड प्रोसेस बताऊंगा, तो दोस्तों वीडियो का अंत जरूर बने रहिएगा। उसके बाद आप सभी को इसमें आपको सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा यानी कि जो भी तहसील आपका है तहसील को आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा यानी कि जो भी खंडो है खंडो को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें विलेज सेलेक्ट करना होगा, जो भी गांव आपका है गांव को इनमें से निकाल के आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों इतना सा करने से आपको पहले वेरिफिकेशन कंप्लीट आएगा, उसके बाद आप सभी को फार्मर पर्सनल डिटेल्स दो मैंडेटरी है और आपको ध्यान से फिलअप करना होगा। इस पर आने के बाद सबसे पहले इसमें आपको फार्मर नेम या आधार बेस्ड ऑटोमेटिक शो होगा, उसके बाद जेंडर इसमें ऑटोमेटिक से शो होगा, उसके बाद आप सभी को कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा, जो भी कैटेगरी आपका है। बहुत सारे किसानों का ये भी कहना है कि ओबीसी किस कैटेगरी में आएगा, उस सारे किसान जनरल आधार पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप एससी एसटी के अंदर है तो दोस्तों आप इसमें
सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फार्मा टाइप आप सब स्मॉल यानी आधार सभी को स्मॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें आपको सेलेक्ट टाइप इसमें ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा क्योंकि पहले इसमें आधार और अकाउंट आ रहा था, अभी इसमें पेमेंट मोड आधार होने के बाद आप सिर्फ आधार कार्ड की मदद से पीएम किसान का लाभ उठा सकते हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना में वेरिफिकेशन यानी कि अप्रूवल तक सिर्फ आधार के मदद से करा सकते हैं। उसके बाद आप सभी को इसमें देखिए ये जो आपको टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन प्रूफ ये आधार ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा। उसके बाद आधार नंबर इसमें ब्लैंक होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक इसमें दिखाई देगा। उसके बाद इसमें एड्रेस ऑटोमेटिक दिखाई देगा। उसके बाद पिन कोड आधार बेस्ड आ जाएगा। उसके बाद फार्मर का रिलेशन नेम यानी कि फादर मदर हस्बैंड जो भी होगा इनमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। दोस्तों उसके बाद इसमें आपको लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी, दोस्तों अगर आपके पास लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं है तो दोस्तों लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी घर बैठे मोबाइल फोन से कैसे निकाल सकते हैं उसी टॉपिक का ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है। उसी वीडियो का लिंक मैंने आई बटन पर दे दूंगा, वरना आप ये ऑप्शनल छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपसे भी इसमें आपको रेशन कार्ड नंबर डालना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी आधार बेस्ड आ जाएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सेप्टेंस फॉर पीएम किसान मानधन योजना, दोस्तों ये आपको सेलेक्ट करना ही होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए इसमें आपको येस और नो, तो दोस्तों आप लोग इसमें नो पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप मानधन योजना का लाभ उठा रहे तो दोस्तों आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिलेगा। इतना सा करने के बाद आपका जो भी पर्सनल डिटेल्स है यह कंप्लीट हो जाएगा। और एक बात है दोस्तों, अगर आपके पास रेशन कार्ड और इसमें लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी ये दोनों आपके पास नहीं है तो दोस्तों उसके बाद भी आप नया पंजीकरण करा सकते हैं। लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी यानी आपकी जो जमाबंदी है इसको आपको एग्रीकल्चर में वेरिफिकेशन करना होगा। अगर आपके पास लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी और रेशन कार्ड है तो दोस्तों आप इसमें डाल दीजिएगा, आपका जो फॉर्म है जल्द अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आप सभी को आना होगा ओनरशिप लैंड होल्डिंग, दोस्तों इसका मतलब आपका जो जमीन है आपका जो डिटेल्स इसमें डालना होगा, जमीन का विवरण। सबसे पहले देखिए इसमें आपको सिंगल है और जॉइंट है, आपका आपके पास जो भी जमीन है आपके पास जो भी जमीन है ये आपके नाम पर है यानी दूसरे और किसी का नाम पर है यानी तीन चार आदमी के नाम पर है। तो दोस्तों अगर सिर्फ आपका नाम पर है यानी कि उसी जमीन में किसी का नाम नहीं है तो दोस्तों आप इसमें सिंगल पर क्लिक कर दीजिएगा, वरना जॉइन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप सभी को इसमें ऐड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऐड पर क्लिक करने के बाद अपने जमीन की जानकारी इसमें आपको डालना होगा। दोस्तों कैसे डालना होगा देखिए, इसमें आपको ऐड लैंड डिटेल, सबसे पहले इसमें आपको खाता नंबर डालना होगा, जो भी खाता नंबर आपका है यानी सर्वे खाता नंबर जो भी आपके पास है डाल दीजिएगा। उसके बाद दाग नंबर यानी खसरा नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद एरिया हेक्टर, दोस्तों आपके पास कितने हेक्टर जमीन है इसमें डाल दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे किसान को हेक्टर पता नहीं है, एरिया पता नहीं है, तो दोस्तों उस सभी लोग क्या कर सकते हैं गूगल ब्राउजर में चार्ज कर सकते हैं। आपके पास 4 बीघा जमीन होगा तो दोस्तों 4 बीघा टू हेक्टर कितनी होगी आप इसमें डाल दीजिएगा। मेरे पास 0.8 हेक्टर जमीन है तो दोस्तों मैंने इसमें 0.8 हेक्टर जमीन डाल दूंगा। उसके बाद इसमें आ रहे हैं देखिए लैंड ट्रांसफर स्टेटस, इसमें लिखा आ रहा है बिफोर 2019 फरवरी, मतलब अगर आपका जमीन आपका नाम पर 2019 से पहले रजिस्टर हुआ है तो दोस्तों आप लोग बिफोर पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपका ये 2019 फरवरी मंथ के बाद आपका नाम पर रजिस्टर हुआ है तो दोस्तों आप सभी को आफ्टर पर क्लिक करना होगा। उसके बाद इसमें आपको लैंड ट्रांसफर डिटेल्स, फॉर एग्जाम्पल के हिसाब से आपके पास जो भी जमीन है अगर आपने खरीदा है तो दोस्तों आपको पार्सेस ऑफ लैंड पर क्लिक करना होगा। अगर आपको किसी ने यह जमीन गिफ्ट पर दिया है यानी कि आपको ऐसे दे दिया है तो दोस्तों आपको गिफ्ट पर क्लिक कर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको जमीन आपके फादर यानी कि हस्बैंड डेड होने के बाद आपका नाम पर रजिस्टर हुआ है तो दोस्तों इनमें आपको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मेरा जो जमीन है मैंने खुद पार्सेस यानी किसी से खरीद के लिया है तो दोस्तों पार्सेस ऑफ लैंड पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद आप सभी को क्या करना होगा, अगर आपने जमीन को पार्सेस किया है तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना होगा, लैंड डेट ऑफ वेस्टिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके जो जमीन है कब आपका नाम पर रजिस्टर हुआ है उसका डेट इसमें आपको डालना होगा। तो दोस्तों इतना सा डालने के बाद आप सभी को क्या करना होगा, देखिए पट्टा नंबर, अगर आपके पास पट्टा नंबर मौजूद है तो दोस्तों आप लोग यस कीजिएगा, वरना नो पर क्लिक करके ऐड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों ऐड पर क्लिक करने के बाद देखिए आपने जो ओनरशिप लैंड होल्डिंग है इसमें आपको जानकारी आ जाएगा, आपने खाता नंबर सर्वे नंबर क्या सेलेक्ट किया है सब कुछ आ जाएगा। और एक बात है दोस्तों, अगर आपने गलती से कोई मिस्टेक जानकारी डाल दिया है तो दोस्तों आप सभी लोग इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो आपको राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहा है देखिए डिलीट ऑप्शन, इस पर क्लिक करके दोबारा से आपको जमीन का विवरण को यानी कि डिटेल्स को आप दोबारा से ऐड करा सकते हैं। उसके बाद आप सभी को देखिए नीचे आना होगा जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा हो रहा है देखिए अपलोड सब
सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। दोस्तों सपोर्टिंग का मतलब है आपका जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि आपके पास जो जमीन है, जमीन का रिकॉर्ड को इसमें आपको अपलोड करना होगा। आपके पास जब भी जमीन है या 200 केबी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉर्मली आपको 200 केबी से कम होगा तो दोस्तों आप नॉर्मली इसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी को सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों ऐसे ही आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद आप खुद अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि आपका जो आवेदन है ये अप्रूवल हुआ कि नहीं, या पेंडिंग है या रिजेक्ट हुआ है। कंप्लीट जानकारी आप पीएम किसान पोर्टल का मदद से ले सकते हैं। इसके लिए आप सभी को फिर से पीएम किसान का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद फिर से आपको फार्मर कॉर्नर पर आना होगा। उसके बाद आप सभी को इसमें जो लिखा हो रहा है, देखिए स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर, इसी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने और एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपको आधार नंबर डालना होगा। जो भी आधार नंबर से अभी आपने आवेदन कराया है उसी आधार नंबर को इसमें डालना होगा। उसके बाद इसमें जो भी कैप्सा दिख रहा है कैप्सा को डाल के सार्ज ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। देखिए मैंने आधार नंबर डाल दिया है, उसके बाद इसमें जो भी कैप्सा है कैप्सा को डाल दिया है। उसके बाद आप सभी को चार्ज पर क्लिक करना होगा, मैंने भी चार्ज कर दिया है। चार्ज करने के बाद नीचे आपके सामने डिटेल्स ओपन हो जाएगा जिसमें आपको स्टेटस के जगह अभी लिखा होगा पेंडिंग। तो दोस्तों ये जो अप्रूवल है, अप्रूवल होने में आपको टाइम लगेगा क्योंकि नया नया आवेदन होने के बाद आप सभी को कुछ ही दिन वेट करना होगा। तो दोस्तों इसी तरह आपको आवेदन करना होता है। अगर आप सभी को और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दोस्तों मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, उनमें क्लिक करके आप सभी लोग सारी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो इतना तक है, फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोगों को भी इसमें और एक वीडियो का अपडेट लेके। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।